हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते सलाम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मुझे सऊदी अरब में पूरा का पूरा एक साल हो गया। दोस्तों आज ही के दिन मैं सऊदी अरब में आया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साल मेरा कैसे कटा, क्या क्या परेशानी आई, सारा आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों पहली बार सऊदी अरब में जब आया था तो मुझे अरबी का 1% भी जानकारी नहीं था कि क्या बोलते हैं, किसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर आने के बाद से मालिक साथ में रह करके 10 दिनों तक जो काम काज मेन होता है, मेन काम जैसे कि ये खजूर का काम है, तो 10 दिनों तक साथ में रह करके मालिक काम कराए और जो है कि बताते गए। और हम भी जो है एक बार में तो समझ में नहीं आती है, लेकिन एक ही चीज़ को कई बार अगर बताया जाएगा तो वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाती है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा अगर टाइम लगाते हो भाषा को सीखने में तो आपको बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा ये लोग डांटते हैं, कितने लोगों को तो मार भी खाना पड़ जाता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि ऐसे कॉलर पकड़ करके मारते भी हैं सब। तो मुझे शुक्र है कि एक भी बार ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया कि मुझे भाषा की। एक बार मालिक बताता था तो मैं क्या करता था कि अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता था। जब मालिक बोलता था हदा नखल, तो नखल मैं नखल खजूर, खजूर को नखल कहते हैं, इस तरह से बोल करके मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता था और कई बार उसको सुन लेता था तो मुझे भूलते नहीं थे। लेकिन अगर एक बार में बोलता है मालिक उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। मान लीजिए कि अगर खजूर को याद रखेंगे तो और भी पानी को भूल जाएंगे, तो कुछ और चीज़ को भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी भाई लोग आते हैं वो लोग जो है कि रिकॉर्ड करके रख ले। मोबाइल तो एंड्राइज होगा ही है, तो मोबाइल में अपना जो भी मालिक बोलता है उसे रिकॉर्ड करके रख लीजिए ताकि आप भूलेंगे नहीं। और दोस्तों जो चीज़ मालिक कई बार बता दिया होता है और उसको हम भूल जाते थे तो मालिक थोड़ा गर्म होता था, गुस्सा होता था, बोलता था, बोलते थे चलो भाई बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मालिक जब भी आपसे कुछ भी कहेगा तो एक बार आपसे ज़रूर पूछेगा फी मालूम वल्ला माफ़ी मालूम। इसका मतलब हिंदी में होता है कि मालूम है कि नहीं मालूम है। तो आपको अगर मालूम रहेगा तो आप बोल देना फी मालूम, अगर नहीं मालूम रहेगा तो आपको बोलना है माफ़ी मालूम। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये खजूर में अगर काम करने आ रहे हैं या कोई सा भी काम करने वाले आ रहे हैं तो आपको पूरे जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, ये पूरे खजूर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर जैसे छोटा पेड़ है, ये यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं ये छोटा पेड़ है, तो ये छोटा पेड़ है तो जहाँ दरवाज़ा खुला रहता है इधर के तरफ बकरियाँ चरती रहती हैं, खेत ही चारों तरफ है। आपको दिखा दूँ कि इधर के तरफ ये चारों तरफ मतलब खेत ही होता है, बीच बीच में एक आध अरबी का घर मिलता है और वहाँ पर खजूर का खेती मिलती है, या फिर खेत में ही खजूर का खेती होती है, गाँव में तो होती नहीं है। तो इसलिए जो बाब होता है, दरवाज़ा को बोलते हैं बाब, तो वहाँ पर जो है कि देखना रहता है, इस तरह से घेरा हुआ है, इधर से फांग कर भी बकरियां जा सकती हैं। तो देखना पड़ता है कि बकरी अंदर ना घुसे। अगर बकरी घुस गई तो एक बार में 50, 60, 70 बकरियां होती हैं। अगर घुस गई तो जितना भी छोटा पेड़ रहेगा, ये छोटा पेड़, तो ये सारे फूल को ख़त्म कर देंगी सब। एक बार अगले साल जो है कि जब स्टार्टिंग में हम आया था तो हमारे खजूर के खेती में वो पूरा बड़ा बड़ा पकने के टाइम में घुस गई थी बकरियाँ, 2-3 पेड़ पूरा ख़त्म कर दी थी। ये तो शुक्र था कि मालिक ने मुझे बोला नहीं था, उसका मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग देखे होंगे और जो लोग नहीं देखे होंगे वो भी देख लेंगे, आई बटन पर क्लिक करके आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मतलब शुक्र था कि मालिक ने नहीं बोला था, मैं डर गया था, इसलिए डर गया था
कि मालिक जो है कि एक बार बकरियां घुसी थी, नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ बकरियों का खुर जो होती है, खुर का निशान मिट्टी पर देखा मालिक, तो बोला था गनन ईगी, बोला माफी ईगी, ईगी गनन। तो हमने कहा कि हाँ बकरी आई थी लेकिन नुकसान नहीं किया था। तो बोलने लगा कि अंतवैन, मतलब तुम कहाँ थे, अपने भाषा में मतलब बहुत कुछ बोला, कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया। तो ये चीज़ तो था, तब से मुझे डर हो गया था। जब बकरियाँ खा गई थी सारा, तब तो मैं और ज़्यादा डर गया था। लेकिन तो मैंने खुद जा कर के मालिक से बोला कि अदा बाबा कुल्लू तमर बकरी अखिल, तो बोला कि थोड़ा सा मतलब कि सोचा, बोला माफ़ी मुश्किल, मतलब कुछ नहीं बोला। मतलब मैं कहा कि चलो भाई कुछ नहीं बोला तो अच्छी बात है, लेकिन फिर गलती, मतलब ये समझाया कि ऐसे तुम ध्यान दिया करो, बकरी जो है कि घूमती रहती हैं, कभी भी घुस जाती हैं। उसके बाद से दोस्तों रहने का, खाने का और कोई भी दिक्कत मुझे अभी तक नहीं आया। एक बार और जो है कि पानी को नुकसान नहीं करना है। अगर पानी जैसे कि ये नखल में चल रहा है, और मैं एक बार क्या किया था, टोटी को खोल करके भूल गया था, सारा पानी बाहर बह गया था। तो उसके लिए भी कुछ बोला था मालिक ने, बहुत बोला था कि अदा मोया खुल्लू बर्रा। मैंने बोला कि मैं ध्यान नहीं दिया और खुला ही छूट गया था। वो भी पानी पीने वाला नहीं, खारा पानी है, नुकसान हुआ था, लेकिन उसके लिए भी बहुत बोला था मालिक ने। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। अभी तो ये लोग सही हैं, हमारा जो मालिक है वो सही है, ये छोटी छोटी बातों करते हैं, उतना नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो छोटी छोटी गलती को बड़ी बड़ी गलती की तरह बोलते हैं। जो बड़ा गलती करता है आदमी इंडिया में, उसको जितना बोला जाता है उतना यहाँ छोटी छोटी गलती के लिए बोलते हैं लोग। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर अगर इस काम में आ रहे हैं तो आपको जो है कि पढ़ा लिखा है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहें कि पढ़े लिखे हैं तो भी वही काम करना पड़ेगा, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी वही काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो है कि इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं कि मतलब कि इंग्लिश मालूम, तो ये यहाँ पर जो है कि किसी को भी इंग्लिश की उतनी जानकारी नहीं है, तो इसके वजह से थोड़ा सा हमारा कदर करते हैं सब। मैंने स्टार्टिंग में आया था तो इंग्लिश में ही सोचा कि इंग्लिश की जानकारी होगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्द जो है कि बातचीत हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने इंग्लिश ही पूछा भी कि यू स्पीकिंग इंग्लिश, तो बोला कि ला ला अनम्मा अफी मालूम इंग्लिश, सोई सोई मालूम। यहाँ तक कि मेरे मालिक का लड़का प्रिंसिपल है, एक फौजी है, तो मतलब कि उसके बावजूद भी इंग्लिश की उतनी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों शुक्र है कि मुझे कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं हुआ है, एक साल बीत गया है, अब देखते हैं कि एक साल कैसा बीतता है। ओके दोस्तों, अभी के लिए बाय, मिलेंगे फिर से आप लोगों को किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग हमारा भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हम आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय।